किरण, मैं बिल्कुल बेकस हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है शफा, बल्कि असल कसूरवार कौन है वो भी जानती हूँ, जो कि साफ बच गया है। कौन? सबाहत और कौन, तुमने सोचा है तुम्हारी और उस्मान की बातों को किसने रिकॉर्ड करवाया? किसने? जाहिर सबाहत ने। और सबसे अहम बात यह है कि ये सब क्यों कर रही है सबाहत? कमाल को मुझसे बदजन करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो तुम्हें इस घर से भी निकलवाना चाहती है। उससे जो तुमसे फायदा चाहिए था वो उसे मिल गया, जो वो चाहती थी उसे मिल चुका है सब। अब वो तुम्हारा इस घर से पत्ता साफ करवाना चाहती है। लेकिन वो ऐसे क्यों कर रही है? क्योंकि तुम इस घर में बच्चे के लिए आई थी और वो काम हो गया, इसलिए वो ये सब कर रही। अच्छा शफक, मुझे एक बात बताओ, सबाहत ने तुमसे कभी किसी ब्लैंक पेपर्स पे साइन तो नहीं करवाया? इस पे साइन कर लो। ये क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपल स्टैम्प पेपर है। इस पर साइन कर दो और सलमान से जाके पैसे ले लो। मैं आपकी बात नहीं समझी। भरोसा नहीं है मुझ पर क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। साइन कर दो और सलमान से जाके पैसे ले लो। साइन। गुड। बोलो। हाँ, पेपर्स पे तो साइन किया था मैंने। ओह नो, बेवकूफ लड़की, तुमने क्या कर दिया? तुम सबाहत की चालाकियों को नहीं जानती थी? अरे, तुमने ब्लैंक पेपर्स पे साइन नहीं बल्कि अपने बच्चे की कस्टडी पर साइन कर दिया है। शफक, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। नहीं किरण, मैं अपने बच्चे को खुद से जुदा नहीं होने दूंगी। ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था शफक। उस वक्त मैं मजबूर थी। फिर भी तुम्हें ये बेवकूफी नहीं दिखानी चाहिए थी उस वक्त। मैं तो यहाँ चंद दिनों के लिए हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ बहुत होशियार होकर रहना पड़ेगा। तुम कहाँ जा रही हो किरण? वापस अमेरिका जा रही हूँ। लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों, बस मजीद यहाँ रहने को दिल नहीं चाहता अब मेरा। जाते जाते तुम्हें एडवाइस देना चाहती हूँ मैं। किसी भी कीमत पर कमाल के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर, नहीं तो सबाह तुम इस घर से निकाल देगी और तुम्हें तुम्हारे बच्चे से भी दूर कर देगी वो। फिर तुम सारी जिंदगी अपने बच्चे को देखने के लिए तरस जाओगे। शफक, हिम्मत करो, खुद को स्ट्रांग करो शफक।